वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका अपना टीचर अशरफ अली और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मल्टीपल टॉपिक्स। आज मैं आपके लिए 9th इस्लामियात लाजमी के न्यू पेपर स्कीम लाया हूं कि वो किस तरह आपका पेपर किस सेटिंग से जो है ना लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो आपका MCQs पर मुश्तमिल होगा, जो तमाम बुक में से लिया जाएगा, जो मशकों के एंड में MCQ दिए गए हैं वो अहम हैं, सबको याद करें, आपका 10 मार्क्स जो है ना ये मस्ट आ जाएंगे। तो अब चलते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से 9 सवाल आएंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं और ये बाब नंबर अव्वल दौम सौम में से लिए जाएंगे, पेज नंबर 2 से 47 तक। पहला शार्ट ये आपका बुक का पेज नंबर 7, उसमें जो अस्माए हुस्ना दिए गए हैं उसमें से होगा। अस्माए हुस्ना इसको आप जो है ना याद कर लें, एक जो है ना शार्ट जहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट शार्ट होगा वो 7 पेज 7 अस्माउल हुस्ना में से होगा। आप इन सब की मीनिंग याद कर लें तो एक जो है ना आपका शार्ट ये मस्ट होगा यहाँ से। पार्ट 1 जो है ना ये देखें, इस इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो इनको जो है ना आप सही तरीके से याद कर लें, आप 12 मार्क्स ये मस्ट आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये भी कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं, 9 दिए गए होंगे, ये कहाँ से ये देख लें, बाब चहारम बाब पंजम बाब शशम बाब हफ्तम, पेज नंबर 48 से 101 तक होगा। आपने ये सवाल जब शार्ट याद कर लेंगे तो आपके ये 6 सवाल जब तैयार हो जाएंगे, सही लिख लेंगे, ये भी 12 मार्क्स आ जाएंगे। तो 6 नहीं, 6 से ज़्यादा लिखने हैं ताकि जो है ना आपकी कोई मिस्टेक हो तो दूसरा जो सही क्वेश्चन होगा वो आपने अटेम्प्ट किया होगा उसके नंबर वहाँ मिक्स हो जाएंगे, इसे 6 से ज़्यादा करने की कोशिश करें। इस पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 से ज़्यादा करने की कोशिश करें और क्वेश्चन 3 में भी 6 से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें ताकि आपके वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं पार्ट 2, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये कहाँ से लिया जाएगा, बुक में बाब शशम हिदायत के सरचश्मे और महाशीर इस्लाम अहले बैत अतहार सहाबा कराम सहाबियात सूफिया कराम उलमाए मुफक्किरीन। तो आप जब इस पूरे चैप्टर को याद कर लेंगे तो जो 4 क्वेश्चन है वहाँ से ले जाएगा, ये आपके 8 मार्क्स मस्ट आ जाएंगे। तो ये बाब शशम है, ये पेज नंबर 69 से 95 तक, आप इसको सही से याद कर लें इस पूरे चैप्टर को, तो 8 मार्क्स आपके ये भी मस्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। एक अहदीस मुबारक दी जाएगी, आपने जस उसका तर्जमा लिखना है ट्रांसलेशन उर्दू में, तो इसके भी 3 जो है ना मार्क्स आ जाएंगे आपके। ये पेज नंबर 6 और 7 पर जो वो आपने तैयार करनी है, ये 1 से लेकर 10 तक, ये पेज नंबर 6 और 7 में दी गई हैं, ये आपने तैयार करनी है, तो इसके आपके नंबर जो है ना ये पूरे आ जाएंगे, इसके भी 3 मार्क्स हैं। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग होगा आपने बड़ी खूबसूरती से पैरे बना बना कर और इसके दरमियान में आपने कोई शेर भी ऐड कर सकते हैं, कोई अहदीस मुबारक भी ऐड कर सकते हैं ब्लू और ब्लैक मार्कर से, या कुरान पाक के एक तर्जमा भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 जो है ना ये आपका तमाम बुक में से जितने लॉन्ग है आपने याद करने हैं, तफसीली सवाल पूरी किताब में से होगा, तो आपने इसको खूबसूरत बेहतरीन तरीके से लिखना है। ये आपका मुकम्मल पेपर स्कीम जो न्यू है 2022 और 2023 तक। डियर स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाई से रिलेटेड 10th क्लास तक किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी
क्लास के मुतालिक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा।